दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं जो कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं। ये नेमार्ट वीडियो है और बहुत ही आसान है। फिर भी जिन्होंने मुझे मतलब कि पूछा कि ये वीडियो बताओ कि कैसे बनती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स है जो सब ये पूछें कि ये कैसे बनती है, मैंने वहाँ पे उनको बताया लेकिन वो समझ नहीं पाए। बहुत ही आसान है फिर भी वो नहीं समझ पाए, तो आज मैं उनका ट्यूटोरियल ला रहा हूँ। साथ में आप सब भी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को जब मैंने चेक किया तो ये वायरल चल रहा है और उसमें बहुत सारे लाइक्स भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगा जिससे कि आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए, इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता हो या ख़राब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ सुझाव देना वीडियो का या कुछ पूछना हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, वहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिए, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहेगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले हमें उस तरह का नाम क्रिएट करना है। तो नाम क्रिएट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसमें बहुत ही अच्छा फॉन्ट दिया जाता है, और कोई भी नाम अच्छा से आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा उसमें। तो करना क्या, यहाँ से पिक्सेल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपको, अगर नहीं है आपके पास तो है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्ले स्टोर पर मिलेगा, इसे सर्च कीजिएगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने से कुछ इस प्रकार से आएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे जो डबल लेयर का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर टैप करना है और ट्रांसपेरेंट कर लेना है, और इसे जो टेक्स्ट है इसे डिलीट, यहाँ से है डिलीट बटन पर टैप करके डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है, तो इसके लिए ए का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है और एडिट पे जाना है। यहाँ पे जो भी नाम आपको लिखना है वो लिख दीजिए। तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो मेरा नाम है उसी को हम बताते हैं लिख के, और ओके करते हैं। ओके करने के बाद क्या करना है, इसे यहाँ से खींच कर बीच में लाना है, और इसे बड़ा करना चाहे तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख के, अब इधर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हर तरीके से आप वीडियो को जो फोटो जो अभी नाम लिखना है वो बना सकते हैं। तो यहाँ से कलर जो वाइट है वाइट ही रहने देते हैं, और साइज वहाँ से बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पे बीच में ट्रांसपेरेंट आता था, उसको मैं बताऊँगा क्या करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक लगा लेना है जो कि इस प्रकार से दिखेगा आपको, और इसे आप चाहें कि बोल्ड करना, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ का जो इसका फॉन्ट है उसे चेंज करना। तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाना है, और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है वो लगा सकते हैं कोई भी। तो यहाँ से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं। कुछ इस प्रकार से बदल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इसके बीच में आता है उसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे चेंज रहता है, तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है, ये फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है, और यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी फ़ोटो होगी उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं जो अच्छा लगे देखने में, तो इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ओके करके ओके कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसमें चेंज हो गया। अब यहाँ से ओके करते हैं, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है, और यहाँ पे आपको 3D रोटेशन टेक्स्ट लगाना है। तो यहाँ पे 3D टेक्स्ट है, इस पे जाना है, इनेबल कर देना है, तो ये 3D में बदल गया। थोड़ा आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो इस प्रकार से दिखेगा। थोड़ा नीचे करना है इसको, मतलब कि जो रोटेशन है उसका वो कर सकते हैं, यहाँ से डार्कन बढ़ा सकते हैं, और स्ट्रोक जो 3D रोटेशन का है इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद रिफ्लेक्शन लगाना है, लगा सकते हैं, नहीं तो इतना पे छोड़ दीजिए। और यहाँ से क्या करना है, सेव बटन इस पर टैप करना है, सेव एज इमेज कर लेना है, और इसके बाद सेव टू गैलरी, तो ये गैलरी में चली जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, काइनमास्टर ऐप में जाना है, तो चलिए चलते हैं काइनमास्टर ऐप में। तो दोस्तों, उसके बाद हमें काइनमास्टर ऐप की ज़रूरत होगी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मैं रिप्लाई वहाँ पे दूंगा आपको। प्लस पे टैप करना है, और यहाँ पे 9:16 रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 16:9 रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं 9:16 का, इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, एक ब्लैक कलर का कलर ले लेना है, और ओके करना है। आप इसे
सेकंड से भी बढ़ाकर 8 सेकंड तक रख सकते हैं और ओके करना है। और यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके करने के बाद यहाँ से शुरू में आना है और जो फ़ोटो आपने बनाई उसे ले आना है। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पिक्सल में ही मैंने बनाई सो सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बड़ा करने के बाद इन एनिमेशन है, इसको यहाँ पे इन एनिमेशन में आपको CW या CWW इस प्रकार से दे सकते हैं। एक ए है और एक ए है, ये दोनों इस तरह से घूमेगा। अब इसका टाइमिंग यहाँ पे 3 सेकेंड रख दीजिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे धीरे धीरे होगा। और यहाँ पे आउट एनिमेशन कुछ नहीं करना है, कुछ और भी कोई चेंज नहीं करना है और ओके करना है। इसे यहाँ से टाइमिंग पूरा फुल कर लीजिए ऐसे, इतना हो जाए। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक जो हर्ट वाला मेन इफेक्ट है उसे लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमें जैसे ही यहाँ से रुक जा रहा है, यहाँ पे रुक रहा है तो हर्ट वाला लगाना है। तो या तो दो तरीके हैं, या तो कोई हर्ट वाला पिक है उसे लगा सकते हैं, या तो खुद का टेक्स्ट जो लिखते हैं वो वाला इमोजी लगा सकते हैं। तो हमने मतलब एक पिक डाउनलोड किया है तो उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट है आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इमोजी का ऑप्शन आ रहा है इसमें जाना है, तो हम इमोजी में चलते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इमोजी है, यहाँ से हर्ट वाला को निकालते हैं, जो हर्ट वाला इमोजी होगा उसे ही लगाना है। तो यहाँ पे कोई हर्ट वाला है ये, इसे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आ गया, इसे बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं और इसे थोड़ा ऊपर रख लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इन एनिमेशन यहाँ से क्या देना है सो बताते हैं। इन एनिमेशन को वैसे ही रख सकते हैं या तो, और यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन को यहाँ से चेंज करके फाउंटेन कर दीजिए, जो कि इस प्रकार से आता है, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। तो मेरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है तो या तो टिकटॉक में जो ट्रेंड चलता है वही सॉन्ग को लगाइए, और नहीं तो ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो टिकटॉक में ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो ट्रेंड में चलेगा उस सॉन्ग को लगाइएगा। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बहुत ही मस्त इफेक्ट के साथ। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।